बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असाइनमेंट नंबर है 2 MTH 102 की। इसका जो पहला सवाल है, अगर A5 बराबर है 17, A9 बराबर है 37, तो हमें पहली टर्म निकालनी है, इसकी फाइंड करनी है, और इसका कॉमन डिफरेंस और A6, यानी कि तीन चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ क्या है, फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस, उसके बाद A6 निकालना है। हमारे पास जो डाटा दिया गया है, A5 बराबर है 17 और A9 बराबर है 37, हमें मालूम करना है A1, D और A6। हमें पता है कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमें इसको हमें मालूम है इसका, उसकी ये A5 AN। देखिए, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसको A5, तो हमने N की जगह क्या लिख दिया, 5। इसके बाद N की जगह इसकी जगह क्या लिखेंगे, 5, और बाकी क्या बात जाएगा, 4, और ये पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह A9 रखेंगे उसी फार्मूले में, कौन से फार्मूले में, इस फार्मूले में। A9 इसकी जो वैल्यूज हैं पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे और ये चीज़ हमारे पास बाकी बचेगी, ये डी इज इक्वल टू 5। जो हमने डी निकालना था, देखें इसको मालूम करना था, ये हमने निकाल लिया, ये 5। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करनी है, A1 बराबर 4D बराबर 17, A1 जमा 4, जो डी की कीमत है, जो डी की कीमत है वो क्या, 5, वो 17 आ जाएगा। A1 बराबर क्या आ जाएगा, -3, और इसी तरह A6 आ जाएगा, तो A6 की कीमत क्या आ जाएगी, 9, यानी कि N की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया। रिक्वायर्ड आंसर इन द फॉलोइंग, A6, A1 और डी, सवाल नंबर 1। और आगे क्या है, सवाल नंबर 2 असाइनमेंट का, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री। फार्मूला हमने मालूम के जरिए मालूम करना है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 60 प्लस 45, अगर इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या बनेगा, 105 बनेगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन फार्मूला खोलेंगे, साइन 60 साइन 45 कॉस 60 कॉस 45, इसकी वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद 1/2 के जजर, यानी कि इसको हल करने के बाद ये आ जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि एस चीज़ को और एस चीज़ को कॉस थीटा के बराबर सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड साइन प्लस कॉस थीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये फार्मूला खोल गया, विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला वी कैन सॉल्व दैट, थीटा प्लस पाई बाय 6, इसकी वैल्यू पुट करेंगे।
उसके बाद इस फार्मूले को ओपन किया जा जाएगा, और इसको ओपन किया ये फार्मूला आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दी, शुरू में आ जाएगा साइन थीटा, बाद में आ जाएगा इस तरह।